हेलो एवरीवन, वैकेंसी गेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी लातेहार झारखंड के तरफ से स्टाफ नर्स एंड अदर रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हुई है 8 अप्रैल 2023 को। इसमें टोटल 117 पोस्ट है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो सब आप जान सके। अब इसका डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं। इसमें मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन भी एप्लीकेबल है एज पर रूल्स। जो भी कैंडिडेट 10th पास की है, 12th पास की है, या डिप्लोमा है, डिग्री है, या पोस्ट ग्रेजुएट की है रिलेवेंट फील्ड में, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वेरियस पोस्ट है तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब वैकेंसी डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं। ANM में है 51 पोस्ट, स्टाफ नर्स में है 26 पोस्ट, ड्रेसर में है 2 पोस्ट, लैब टेक्नीशियन में है 11 पोस्ट, फार्मासिस्ट में है 22 पोस्ट, MTC न्यूट्रिशनिस्ट काउंसलर में है 5 पोस्ट, MPW यानी कि मल्टीपर्पज वर्कर में है 14 पोस्ट। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 8 अप्रैल 2023 को रिलीज की गई है। इसमें पूरे डिटेल में बता दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कौन सी कैटेगरी में कितने पोस्ट है वो भी बता दिए गए हैं। कैटेगरी वाइज इसमें पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन भी बता दिए गए हैं। उसका डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं। ANM पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट 12th पास की है और ANM का कोर्स कंप्लीट की है, उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट 12th पास की है और 3 साल का जनरल नर्सिंग का कोर्स की है और उसके साथ 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्रेसर के लिए जो भी कैंडिडेट 10th पास की है और 1 साल का डिग्री या डिप्लोमा की है ड्रेसर में, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस देखा जाएगा। लैब टेक्नीशियन में जो कैंडिडेट 12th पास की है और डिप्लोमा की है लैब टेक्नीशियन में, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस देखा जाएगा। फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है डिग्री या डिप्लोमा की है जो कैंडिडेट फार्मेसी में और उसके साथ 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। MTC न्यूट्रिशन काउंसिलर में जो कैंडिडेट मास्टर्स डिग्री की है या बैचलर्स डिग्री की है फूड एंड न्यूट्रिशन में या होम साइंस में, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा। MPW यानी कि मल्टीपर्पज वर्कर में जो कैंडिडेट 12th पास की है साइंस में, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस देखा जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो या इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, वो जल्द से जल्द अप्लाई करना। अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट विशेष।